ओम शांति। 2 दिसंबर 2021। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों को रिगार्ड कैसे रखे, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगी। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्माभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने थे, आधा कल्प तुम फिर आत्माभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो, वह दूर बैठे हैं। यह जानते हैं कि हमको आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे है। यह भी बच्चों को समझा जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी है, आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देहाभिमान में रहे हैं। बाप समझाते, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परमपिता परमात्मा भी सत है, चैतन्य है, परमात्मा है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है, इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। यह बड़ा वंडर है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इनों को इतना उच्च बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तहान में पास होते हैं वह कमाई भी अच्छी रीति करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है, फिर कहते हैं मिस इंडिया मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली सत्वप्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। वह तो है ही सत्वप्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। पुकारते भी ऐसे है जैसे बेसमझ है, हे भगवान दया करो रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए हैं। यह तो बिल्कुल ठीक, रचता और रचना को कोई जानते नहीं है, अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो,
परंतु आधा कल्प देहाभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है, देहाभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देहाभिमानी बनेंगे तो रिकॉर्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए वह भी बुद्धि में नॉलेज है, देहाभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देहाभिमान में बना देती है, घड़ी घड़ी माया देहाभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देहाभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं, बाप ने कहा है मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, न कोई की आत्मा को, न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलता है। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वह आत्माभिमानी होंगे या माया रावण देहाभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अपना कल्याण करते हो, या चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते ही है झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े आएंगे। उनको तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊँ। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पुकारते हैं, परंतु यह समझते थोड़ी है कि मैं वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे कि श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे, वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं, बाबा भी कहते हैं अपनी खातिरी करते रहो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बातें यह दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसी को पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए यह भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देहाभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्र सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है। जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती है,
जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले इन्हों को याद करते हैं, लिखते फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है, परंतु देहाभिमानी बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बड़ी अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसी को रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं हैं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देहाभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो। बहुत भी नहीं करते, अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रह धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर कोई विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज़ को तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भवो। आधा कल्प देहाभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं। देही अभिमानी अवस्था बनाने में अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देहाभिमान के कारण आत्माभिमानी गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही उस उल्टा बना देंगे, राय देंगे तो फिर जिम्मेवारी भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसीलिए यह बाबा भी सदैव कहते कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज़ रोज़ ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह है ज्ञान। आधा कल्प तुम्हें भक्ति की है, वापिस तो कोई गया ही नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो राय देते हैं उसमें शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्त युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो त
तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।